अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम आ गया है तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि आज आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर की जाए। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। आप सब अपने घरों में चिकन कॉर्न सूप तो बनाते ही होंगे, लेकिन मैं जिस तरह से बनाती हूँ आपके साथ अपना तरीका शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूप बनाने के लिए मैंने चिकन ली है 250 ग्राम, बोन्स के साथ ली है। इसके अलावा कॉर्न मैंने लिया है बॉइल्ड, उसमें से 2 to 3 टेबल स्पून्स को मैंने क्रश कर दिया है। एक चॉपर में मैंने मोटा मोटा उसको चॉप कर दिया था इस तरह से, बहुत बारीक नहीं चॉप किया। और बाकी जो 2 टेबल स्पून्स कॉर्न जो है वो मैंने कॉर्न कर्नल्स या उसके भुट्टे के दाने लिए हैं, ये भी बॉइल्ड ही हैं। इसके अलावा नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और काली मिर्च फ्रेशली कुटी हुई है, ये भी 1 टीस्पून ली है। चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लावर जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे 6 टेबलस्पून्स मैंने लिया है। जब यूज़ करेंगे तो पानी में इसको मिक्स करके यूज़ करेंगे। और 2 अंडे, एक मैंने पतीला लिया है, उसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं चिकन डालूँगी और चिकन को थोड़ा सा मैं पकाऊँगी। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि जब सूप बनाते हैं तो एक कच्चेपन की स्मेल होती है, या फिर उनको टेस्ट में कुछ कच्चापन चिकन का फील होता है। तो मैं जब भी सूप बनाती हूँ मैं चिकन को बिना ऑयल के थोड़ा सा मैंने दोनों साइड से पका लेती हूँ, जैसे ये वाइट कलर की हो जाए, ये पिंकीनेस है वो इसकी ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा इस पर वाइट कलर आ जाता है। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ, तो आप यकीन कीजिए स्मेल भी नहीं होती चिकन में और एक कच्चेपन का जो टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। हल्की आँच पर आपने करना है, तेज़ आँच पर नहीं करना। और अगर आपको लग रहा है कि चिकन नीचे लग जाएगी तो आप 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालें। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर में पानी डाल रही हूँ ताकि ये पकने के बाद 1.5 लीटर पानी बच जाए। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं पानी की। नमक और काली मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन पाउडर इसमें अभी मैं ऐड कर लूँगी। इसके अलावा कॉर्न जो क्रश था वो भी, और साबित कॉर्न के जो दाने हैं वो भी मैं इसमें ऐड करके और इसको पकाने के लिए रख दूंगी। इसको कवर करके हमने पकाना है यहाँ तक कि चिकन बॉईल हो जाए। आपको आधा घंटा भी लग सकता है स्लो आंच पे, आपको उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो अपने हिसाब से आप टाइम एडजस्ट करेंगे। चिकन हो चुकी है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, अब मैं इसको निकालूंगी। बोन्स के साथ है चिकन तो इसकी हमने हड्डियाँ अलग कर देनी है और चिकन को श्रेड कर देना है। फोर्क की मदद से, चूंकि चिकन गरम है तो मैं फोर्क की मदद से इसको इसकी बोन्स अलग कर रही हूँ। इसमें आप बीच में अच्छी तरह से देखें कि आप सारी हड्डियाँ निकाल दें और उसको अलग करके रखें, उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। और जो चिकन है उसको हमने श्रेड कर देना है। आप चाहें तो हाथ की मदद से उसको श्रेड कर सकते हैं, मैंने चॉपर में उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसको मैं सूप में डालूंगी। ये जो सूप था हमारा, या यखनी आप इसको कह सकते हैं, इसमें हम चिकन डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो नमक और काली मिर्चें और ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लगें तो। कॉर्नफ्लावर मैंने आपको 6 टेबल स्पून बताया था, उसको मैंने पानी में, थोड़े से पानी में मिक्स कर दिया है। और ये हम डालेंगे साथ साथ, हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि घुटियाँ ना बने। 1 से 2 मिनट इसको पकाने के बाद इसमें हम फेंटा हुआ अंडा डालेंगे। ये देख सकते हैं कि इसमें थिकनेस आ चुकी है। और 2 अंडे फेंट के
वो हमने इसमें डालने, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ हमने चम्मच को हिलाना है, मिक्स करना है। ज़्यादा तेज़ी से ना मिलाएं, और ज़्यादा अगर आप स्लोली मिलाएंगे तो अंडे के जो पीसीज हैं वो बड़े बड़े रह जाएंगे। तो आपने मीडियम स्पीड पे आपने चम्मच को चलाना है, इससे भी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाती है सूप की। सूप तैयार हो चुका है, हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए विनेगर मैंने लिया है, उसमें मैंने हरी मिर्चें काटी थी, और 1 टीस्पून मैं विनेगर डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं चिली सॉस डाल रही हूँ, और इसके अलावा श्रेडेड चिकन थोड़ी सी ऊपर डाल दी गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से जो कॉर्न के कर्नल्स हैं वो डाल दिए। 2 अंडे मैंने बॉईल किए थे स्लाइसेस काट के, मैं थोड़ा सा अंडा भी इसमें डालूंगी। जैसे आप देखते हैं कि बाहर से आप बाज़ार से सूप लेके आप खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसमें बॉइल्ड एग भी होता है जिससे सूप का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो सर्दियां हैं, सर्दियों में बनाइए आप चिकन कॉर्न सूप, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।